दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई और इसके बाद ही पूरे देश की पॉलिटिक्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उनकी लोकप्रियता आने वाले कुछ वर्षों में इस तरह बढ़ी कि वो अगले 3 इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए। 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। दोस्तों आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू आज तक हमारे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और ये भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। इन्हीं की गद्दी के नीचे 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुई। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक और बार प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो गई। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ एक वर्ष और 2016 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रह सके थे। शास्त्री जी के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी लगातार 3 चुनावों के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई। 11 वर्ष और 59 दिनों तक इंदिरा गांधी पीएम बनी रही और इस समय पर देश के कई बड़े इवेंट्स हुए, जिनमें सबसे बड़ा इवेंट था 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंदिरा गांधी के टर्म में ही भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण भी करवाया गया। 1975 में देश की हालत कुछ इस तरह से बदली कि देश में इमरजेंसी जारी कर दी गई। ये दौर देश की जनता के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और फिर से इलेक्शन कराए गए। इस बार देश की सभी बड़ी पार्टी ने कांग्रेस को हटाने का जिम्मा उठा लिया और वो इसमें सफल भी रही। इतने वर्ष तक चल रहे कांग्रेस राज के बाद पहली बार किसी और पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनने वाले थे। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया। 24 मई 1977 को उन्होंने कुर्सी संभालनी शुरू करी और 2 वर्ष 126 दिनों के बाद ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण ये था कि उनकी सरकार उस समय अलग अलग पार्टी के सहयोग से बनी हुई थी और अब उन पार्टी की विचारधारा आपस में टकराने लगी। इसीलिए कुछ समय बाद पावर में रहना और सब कुछ मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद चरण सिंह, जो कि कांग्रेस से नहीं थे पर फिर भी कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट करा और प्रधानमंत्री बनवाया। कांग्रेस ने जितनी तेजी से उन्हें अपनी सपोर्ट से ऊपर चढ़ाया था उतनी ही तेजी से नीचे भी उतार दिया, जिसके कारण चरण सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1980 में मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सत्ता में लौटी और इंदिरा गांधी चौथी बार पीएम बनी। करीब 4.5 सालों तक पीएम बने रहने के बावजूद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी आज तक के भारत के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री रहे। इस समय पर वीपी सिंह, जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और फिर उन्होंने बाकी एंटी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जनता दल बनाई। इस समय पर राजीव गांधी के ऊपर करप्शन चार्जेस भी उठ रहे थे, जिस वजह से लोगों ने राजीव गांधी में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। 1989 में एक और बार इलेक्शन हुए, जिसमें जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और कुछ और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसके तहत वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया गया। वीपी सिंह की बनाई सरकार ने आपस में ही बहुत डिफरेंस बढ़ रहे थे, जिससे सरकार में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। जब वीपी सिंह बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवाने के ऑर्डर दिए तो इससे बीजेपी उनसे नाराज हो गई, जिस वजह से उन्होंने अपना पॉलिटिकल सपोर्ट हटा दिया और इसके बाद तो हालत और बिगड़ गई। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। जिस तेजी से ये पार्टी नीचे आ रही थी उसी तेजी से उस समय के होम मिनिस्टर चंद्रशेखर की बनाई समाजवादी पार्टी ऊपर आ गई। उन्होंने 64 एमपीज के साथ मिलकर पार्टी को शुरू किया। कांग्रेस के सपोर्ट के साथ समाजवादी जनता पार्टी सत्ता में आई और चंद्रशेखर को पीएम बनाया गया। एक साल से भी कम समय में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जिसकी वजह से ये पार्टी गिर गई। इसके बाद 1991 में इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में आगे आई और पीवी नरसिम्हा राव पीएम बन गए। नरसिम्हा राव पहले पीएम थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इंडिया की इकॉनमी की हालत बहुत खराब हो गई और इस समय इकॉनमी में कुछ बड़े बदलाव की जरूरत थी। इस समय पर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़े डिसीजन लिए,
जिस वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। नरसिम्हा राव पहले पीएम बने जो नेहरू गांधी फैमिली से नहीं थे, पर फिर भी पूरे 5 सालों का ऑफिस टर्म कंप्लीट करा। इसके बाद अगले 3 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदले गए। शुरुआत करी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ये सिर्फ 16 दिनों तक पीएम रहे। फिर एचडी देवगौड़ा आए जो 324 दिनों के लिए पीएम बने, और फिर इंद्र कुमार गुजराल जिन्होंने 332 दिनों तक पीएम की कुर्सी संभाली। और इसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1998 में बनी सरकार ने कुछ मुख्य कदम उठाए, जैसे उन्होंने पोखरण में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराए। ऐसा करने से यूएस जैसी वेस्टर्न कंट्री भी खुश नहीं थी, और इसी वजह से इन्होंने इंडिया पर कुछ इकोनॉमी सैंक्शन लगाने की कोशिश की। पर उस समय इंडिया के पास रशिया फ्रांस जैसी कंट्रीज का सपोर्ट था, जिस वजह से सैंक्शन सफल न हो सके। इस समय पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा पार्टी ने बीजेपी से अपना सपोर्ट हटा लिया, जिस वजह से वाजपेयी की सरकार बिखर गई। इस समय पर पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर भी शुरू हो गई। इसके बाद 1999 में फिर से इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी ने मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी ने इनके बाद इकोनॉमी के हित में कई निर्णय लिए, इससे इकोनॉमी काफी हद तक संभल गई। भारत में पहले के मुकाबले बहुत तेजी से सड़कें और हाईवे बनाए गए। इसी समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश भर में सड़कों का निर्माण कराया गया। फिर 2002 गुजरात कॉमनवेल्थ राइट्स हुए, जिनमें करीब 2000 से भी ज्यादा डेथ्स हुई। इसके अलावा भी वाजपेयी ने अपना ऑफिस टर्म पूरा किया, और वो ऐसा करने वाले पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। 2004 में चुनाव हुए, और अब कांग्रेस बीएसपी और एसपी की मदद से मेजोरिटी सरकार बनाने में काबिल रही, और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास कराया गया, और कई देश जैसे अफगानिस्तान, रशिया और कुछ और गल्फ कंट्रीज से इंडिया के साथ इस समय पर और अच्छे संबंध हो गए। मनमोहन सिंह के पहले टर्म में ही नवंबर 2008 को मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए। 2009 में फिर से इलेक्शन का समय आ गया, और इस बार भी कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह के ऊपर कई घोटाले और भ्रष्टाचार के इल्जाम लगने लगे थे। 5 साल बाद समय आया आज तक के सबसे यादगार चुनाव का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी मजबूत, ज्यादा मजबूत तरीके से लौटी। उनकी पार्टी का चेहरा बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जैसी लहर देश के कई दशकों के बाद दिखी, जब पूरा देश सरकार में बदलाव चाहता था। इस चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, और गुजरात के सीएम रह चुके मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोदी के आने से देश भर की पॉलिटिक्स में सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान इंटरनेट का भी साबित हुआ। मोदी की कई योजनाएं सफल हुई तो कई फेल भी हुई। एक बार निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि जिस तरह मोदी ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट किया, ऐसा अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं करा सका। अब देखना होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, और अब देश की सरकार का रुख किस तरफ होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। आप उस नेता को क्यों सपोर्ट करते हो, और आप हमें ये भी कॉमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।